मुजफ्फरनगर में मौत की आहट से हड़कंप। कोरोना से खतरनाक बुखार ने दी दस्तक। रहस्यमय बुखार से रोजाना हो रही मौतें। एक ही गांव में 6 लोगों की मौत से सनसनी। 2 दिन के अंदर 6 लोगों की हो चुकी है मौत। खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोरोना से खतरनाक रहस्यमय बुखार ने दस्तक देकर ज्वाली गांव के ग्रामीणों की नींद हराम कर दी। महज 2 दिन के अंदर इस रहस्यमय बुखार ने 6 लोगों की जिंदगी को लील लिया है, जिस कारण ग्रामीणों में खौफ बना हुआ है। हैरत इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी मुजफ्फरनगर का स्वास्थ्य विभाग कुमकर्णी नींद सोया हुआ है। आपको जानकर ये भी ताज्जुब होगा कि करीब 12,000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना पॉजिटिव केस तो सामने आए थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। लेकिन इस रहस्यमय बुखार ने महज 2 दिन के अंदर 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मुजफ्फरनगर का ज्वाली गांव। इस गांव की आबादी 12,000 से ज्यादा है, जहां इस रहस्यमय बुखार की वजह से आज ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो बुखार चढ़ते ही अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते मरीज की मौत हो जाती है। अब तक गांव में महज 2 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बेगवती पत्नी करैश उम्र 65 वर्ष, पाली पत्नी ओम प्रकाश उम्र 60 वर्ष, सरवरी पत्नी अयूब उम्र 68 वर्ष, शहजादी पत्नी शहजाद उम्र 30 वर्ष, सईद उर्फ टोलू पुत्र फक्कड़ उम्र 60 वर्ष, जिशान पुत्र अयूब उम्र 48 वर्ष शामिल है। भाई यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा प्रकोप है बुखार का, और पूरा गांव बुखार की चपेट में है, और 3-4 दिन के अंदर काफ़ी मौतें भी हो चुकी हैं बुखार की वजह से। अच्छा, बुखार की वजह से 4-5 मौत हो चुकी लगभग। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई यहाँ पे? ना, यहाँ कोई टीम नहीं आई अभी तक। अच्छा, और स्वास्थ्य विभाग से हमारी अपील है कि वो गांव में आके जाँच कराएँ। बड़ा अस्पताल तो यहाँ से आने जी, सरकारी अस्पताल। अच्छा, मजदूरी मजदूरों की लगती नहीं है, कहाँ दिखाऊँ बेचारा। हर पैसा इनके पास इतना है नहीं। 5-6 मौत हो गई 2 दिन में। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं ये सरकारी अस्पताल हो जाए, यहाँ डॉक्टर बैठे रहो। अब अस्पताल है उसमें उन्होंने वाल्मीकि ने कब्जा कर रखा जी। 10 दिन पहले बुखार चढ़ा था जी, अब इनकी मृत्यु हो गई। और जी कहीं दिखाई वगैरह आपने? हाँ जी, लोकल में गरीब शरीफ आदमी ना, यहाँ अस्पताल कुछ नहीं है जी। अब बताओ जी क्या करें, ना मजदूरी लग रही थी। चलिए अब आपको ज्वाली गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी हाल दिखाते हैं, जहां डॉक्टर तो आते ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एक लंबे अरसे से कब्जा किया हुआ है। आप स्वास्थ्य उपकेंद्र की दशा देखकर भलीभांति समझ सकते हैं कि जिस उपकेंद्र को खुद इलाज की जरूरत हो, वहाँ पर मरीजों का क्या उपचार होगा। इस अस्पताल में बिल्कुल खंडर बना हुआ जी। ये अस्पताल नाम का है, यहाँ ना कोई डॉक्टर बैठता है ना कोई, यहाँ तो लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्या चाहते हो आप इसमें? जी इसमें स्वास्थ्य आगे जो डॉक्टर अधिकारी है वे लोग बैठे हैं यहाँ। एक दिन में कल से अब तक 5 मौत हो ली। किस कारण? या तो डेंगू का असर है जी, डेंगू का बुखार है या क्या है। ना तो यहाँ दवाई देने वाला बैठता है कोई, ना कोई आता है यहाँ पे। तो जांच वगैरह के लिए भी आते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई।
अभी तक आपने केवल ग्रामीणों की ही सुनी, चलिए अब हम आपको उस व्यक्ति की भी सुनवाते हैं, जो सीना ठोक कर कह रहा है कि उसके पास घर नहीं है, जिस कारण वो पिछले 10 सालों से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में रह रहा है। तो अस्पताल में 10 साल हो गए मुझे यहाँ इसी में ही। जी कोई मकान नहीं आपका? हाँ। क्यों? मकान है नहीं मेरे। अच्छा, तो सरकारी अस्पताल में रह रहे आप? हाँ जी। तो देखा आपने, जिस गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर ही कब्जा हो रखा हो, डॉक्टर ही नहीं आते हो, और 2 दिन के अंदर 6 लोगों की जान चली गई, कोरोना काल में उस गांव के ग्रामीणों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ग्रामीणों की दूसरी विडंबना ये भी है कि कोरोना काल में मजदूरी भी नहीं मिल पा रही, ऊपर से गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र में कब्जा होने की वजह से डॉक्टर नहीं आ पा रहे, जिस कारण उन्हें सही उपचार नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक ही गांव में 2 दिन के अंदर 6 लोगों की मौत के मामले में जब CMO से जानकारी की गई, तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि अभी मामला संज्ञान में आया है, टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। गांव में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, इसके संबंध में मैंने अभी मोरना के MOIC से भी बात करी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की सूचना है, तो उस तरह से लेकर वो कल कह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम कल वहाँ जाके शिविर भी लगाएगी, थोड़ा सर्वे भी करेगी, और उसके बाद मेरे को विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि ये कोविड से बात नहीं है, ये कहाँ सर कितने लोगों की मौत हुई है इसके बारे में मैं अभी निश्चित तौर पर नहीं बोल सकता। बहरहाल जौली गांव में मौत के सिलसिले की वजह बुखार है या कोई और नई बीमारी, ये तो स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पिछले 10 साल से स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कब्जा है, फिर आज तक स्वास्थ्य विभाग ने उसे कब्जा मुक्त कराने की कोशिश क्यों नहीं की। गांव में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीणों की हो रही मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक के साथ नूर मोहम्मद की खास रिपोर्ट।